खूबसूरत दोस्तों कैसे हालचाल है उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे सो so, आज मैंने ये बहुत प्यारा सा मेकअप लुक तैयार किया है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर किया है कि मैं तैयार होती हूँ तो कैसे होती हूँ एंड uh, इस वीडियो में मैंने वो सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जो मैंने यूज़ किए थे मेकअप किट असेंशियल में ब्राइडल uh, के लिए या फिर किसी भी वगैनर के लिए ब्राइडल के लिए इसलिए क्योंकि उसमें कुछ शिमरियाई शेडोज हैं कुछ वो वाली चीज़ें हैं जो दुल्हने करना चाहेंगी सो uh, so, ये मैंने डन किया मुझे ये लुक काफ़ी प्यारा लगा और फेस uh, का बेस मेकअप बहुत अच्छा हुआ है अब बताना कि आपको ये लुक अच्छा लग रहा है फर सम रीज़न मुझे ये कॉपरी रोज गोल्ड किस्म के आई शेडोज बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये एक्चुअली आई लुक भी लगता है पर इतना ओवर द टॉप ड्रोमैटिक भी नहीं लगता कि यार कुछ बहुत ही डिफरेंट कर लिया है राइट right? और लिप्स पर मैंने कौन सा शेड पहना है मैं वो बता देती हूँ मैंने पहना है ये मैट लिक्विड लिपस्टिक फ्राम वेट एंड वाइल्ड लिक्विड कैट सूट एंड शे ग्राम है गिव मी मौका मौका दे दो मीनू मौका मौका इज अ काफी मौका इज अ चॉकलेट एंड कॉफी इज मैक्स ये आज मैंने मेरी वीडियोज से बहुत ज़्यादा जल्दी डन कर लिया है ग्यारह बजे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा पहला बड़ा चंक ऑफ चीज डन हो चुकी है अब रेस्ट ऑफ द डे मैं क्या करने वाली हूँ मुझे कुछ पता नहीं है ओके okay, मुझे पता है मैंने प्लान करके रखा है एक्चुअली मैंने नई डायरी भी ले ली है आपको बताऊँ बहुत ही प्यारी क्यूट मेरा फेवरेट कलर की डायरी मिल गई है मुझे टोनी टोनी थ्री और इसमें तीन पुराने महीने भी हैं अगस्त से लेकर दिसंबर तक क्योंकि ना मैं सोच रही थी कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ और फिर मेरी डायरी चेंज हो जाएगी तो मेरी प्लानिंग अधी अधूरी रह जाएगी पर अब मैंने नई डायरी में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना शुरू किया है साजिश रचना की मैं क्या करूँगी लोगों के साथ लोगों के साथ नहीं मेरे साथ ओके okay, दोस्तों मेरी फालतू की इन्फॉर्मेशन के साथ बस इतना ही मैं आपको अगले सीन में मिलती हूँ आई डोंट नो कहाँ पर नमस्कार गाइज मीट क्यूट हिम्मत हिम्मत ए Actually, Alberta. Me, every other kid is sick. So, we are traveling soon and we are scared. I'm not going to be This is Bob. Bob says hi. This is Bob when a car goes by. Uh oh! Bob is dead. Sorry, RIP Bob. This, this is Bob. Bob. This is Bob where he's going to drink his tea. Ow, stop it! Stop it! What have I done? You killed Bob again. ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਆ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਦੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪਿਆਰੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਤਾਲੀ ਕੌਣ ਖਾਂਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱ ਓ ਹੋ 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 ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਹंगाई ਜੰਨਾ ਮੈਂ ਦਈਆ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਖਾਲੂ तो मैं चली गई थी थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए एंड ऑल्सो मैं लेके गई थी हिम्मत को डॉक्टर के पास कुछ दिन पहले भी मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी मैं सेम ही डॉक्टर के पास लेके गई हूँ बाल मेरे करली हो चुके हैं क्योंकि मैंने उनका ट्रीटमेंट करा लिया था आँधे आंदे करली का ओके नहा के आई हूँ मैं थोड़ी देर पहले ओके okay, तो क्या बता रही थी कि ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गए थे एंड मैं हिम्मत को डॉक्टर के पास लेके गई थी हिम्मत को कुछ दिन पहले भी मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी एंड तो मुझे पता चला था कि हिम्मत के कान में इन्फेक्शन है जो कि उसने मुझे एंटीबायोटिक दी डॉक्टर ने क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी एंड वो सारा कुछ हील हो गया बट कल के दिन के बाद फिर से उसे Uh, कफ़ आना शुरू हो गया तो मुझे लगा कि दोबारा से डॉक्टर के पास चली जाती हो क्योंकि उस डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसका क़ दोबारा होगा तो शायद मुझे इसका एक्सरे करना पड़ेगा चेस्ट का क्योंकि लंग्स को मैं देखूँगी कि कैसे है बट देन डॉक्टर ने इसको चेक करके बोला कि ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट हील हो चुका है एंड मैं इसे एंटीबायोटिक नहीं देने वाला हूँ और ये अपने आप हील so, uh, हो जाएगा डोंट वरी सो अब हम घर आ चुके हैं एंड होपफुली हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसके कान ने चेक किए ईयर इन फैक्शन ऑलमोस्ट जा चुका है एंड गला भी ठीक है एंड चेस्ट भी क्लियर है लंग्स भी क्लियर है ही सेड एंड वो वैसे डॉक्टर ने कहा कि कोई भी दवाई देने की ज़रूरत नहीं है पर अगर अपने सुकून के लिए तुम टैलनॉल देना चाहते हो तो दे सकते हो अगर ये विद इन अ वीक ठीक नहीं होगा देन मे भी मैं ऐसे कोई दवाई दूंगा बट सो फार नो नीड टू वरी तो हम लोग आ चुके हैं घर सो डिनर कुक करने की चिंता नहीं है क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार कुड फूड पड़ा है जो अर्लियर मैंने हस्बैंड को तो खिला दिया था पर मैंने खुद नहीं खाया था तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़्रेश राइस बना लेती हूँ एंड दाल के साथ खा लूँगी थोड़े से या फिर पनीर के साथ एंड मेरा डिनर तो सॉर्ट आउट है वो तो बालों को धोने की क्या स्टोरी है आ, मुझे लगा था कि मेरी कमर दर्द ठीक हो जाएगी पर वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई एंड फिर मुझे लगा कि अच्छा बात लेती हूँ गरम-गरम पानी का तो उससे रिलीफ मिलेगा तो इसलिए मैंने बाल धोने पड़े मुझे अदरवाइज़ में बालों को धोने का मेरा दिन नहीं था तो ये ऐसा भी मुझे बालों को ना कलर करना है थोड़ा एन्ना, एन्ना। आई डोंट नो मैं शूट करूँगी या नहीं पर वो मैं गंदे वालों पे कलर करने का मुझे है कि जब बाल गंदे हो लाइक ऑयल छोड़ा हो बालों ने तो कम डैमेज होता है जब आप कलर करें वैसे कलर करने की ज़रूरत नहीं है पर वैसे तो मेरे पूरे बालों पर कलर है मुझे लगता है कि ये रूट्स ना थोड़ी डार्क हो रही हैं इनके मुकाबले तो इनको थोड़ा लाइट कर लेते हैं घर पर बाहर नहीं जाएंगे हम अपने आप ही थोड़ा सो so, ये काम करवाने के लिए हम बाहर नहीं जाने वाले हैं अपनी कलाकारी घर पे खुद ही करेंगे एंड uh, कोशिश करूँगी कि आपके साथ मैं शेयर करूँगी कैसे मैं मेरे वालों को कलर करती हूँ और शायद आपकी भी मदद हो जाए वैसे मैंने पहले भी पास में भी ऐसी कई वीडियोस शेयर की हैं जिसमें मैंने बताया है कि ऐसे ऐसे मैं हेयर कलर करती हूँ ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में ही अपने बालों को स्टाइल करूँ और जब मेरे बाल करली हो जाते हैं ना तो और छोटे लगने शुरू हो जाते क्योंकि ऐसा इकट्ठे हो जाते हैं वैसे थोड़े लंबे हो गए हैं अब पहले मैं सोच रही थी बालों को ट्रिम भी कर लूँ थोड़ा सा पर अब स्किप करने वाली हूँ इनकी लेंथ मेरे लिए इतनी लेंथ मेरे लिए अच्छी है एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी मैं आपको uh, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें क्योंकि बहुत सारे मज़ेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं इस महीने आप नहीं चाहेंगे कि वो मिस हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब uh, करें एंड ऑल्सो बेल को क्लिक करना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको बेल रिंग हो जाए अदरवाइज़ मिस कर देंगे आप एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं एंड मेरे लिए कर मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं क्योंकि हम लोग ट्रैवल करेंगे कुछ ही दिन में मेरे पास चार दिन है चार दिन में हमें ट्रैवल करना है मैंने पैकिंग करनी भी शुरू नहीं की है एंड uh, थोड़ा सा मुझे सेल्फ ग्रूमिंग भी करनी है एंड या yeah, बहुत सारे काम है एक्चुअली मेरे मेकअप ब्रशेज को भी धोना है जो मैं ट्रैवल में अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ मे गॉड सो मच वर्क आपको कल मिलती हो गैस यही मैं मैं इस व्लॉग को डन करने वाली हूँ क्योंकि मेरी कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है और मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ एंड कमर दर्द के लिए मैं आयुर्वेदिक चीज़ें खा रही हूँ लाइक टर्मरिक जिंजर आ, ऐसी ऐसी चीज़ें उससे मुझे ना जल्दी हेल्प हो जाता है वैसे भी ना ये जो मेरा कमर दर्द है ना स्ट्रेस की वजह से आता है मैंने ना मैं जर्नलिंग करती हूँ ना तो मैंने जर्नलिंग की है और मैंने पिछले रिकॉर्डो मैंने पिछले रिकॉर्ड्स को खोल के देखा तो मैंने देखा कि ओ मई गॉड ये कमर दर्द ना एक्चुअली स्ट्रेस वाले दिन में ज़्यादा हो जाता है जैसे मैं कल अदर uh, डे में मुझे कुक करने का कितना स्ट्रेस था कुक करना है घर को क्लीन करना है ये वो सो वो स्ट्रेस सारा कमर दर्द लेके आ गया और ये कमर दर्द कम से कम पाँच छः दिन तो रहेगा अच्छे रिकॉर्ड्स के हिसाब से सो so, देखते हैं जर्नलिंग कर रहे हैं अभी भी या uh, yeah, दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही उम्मीद करती है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा कल नया ब्लॉग आएगा सो so, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है मैं मिलूंगी आपको कल तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत बुरे दोस्तों यू इज़ अ ब्यूटीफुल द वे यू यूर्स दे एंड और यू कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन दैट्स अ इजी पीजी स्क्वीजी